हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्पेसिफिक पर्सन का रीडिंग लेके आई हूँ। करंट एनर्जी आपका स्पेसिफिक पर्सन का क्या है? ओके, सबसे पहले जो कार्ड आए हैं वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। जो मैं बताऊंगी वो ध्यान से सुनना, टाइमलेस रीडिंग है। 80% रेजोनेट करेंगे, 20% नहीं भी हो सकते, ठीक है, बट 80% ज़रूर करेंगे क्योंकि टाइमलेस है, इसलिए सबका एक साथ देख रही हूँ। इसलिए आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है इस टाइम वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व भी है, ये सच है। सुनने में खराब लगेगी बट सच बोलना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जिसका स्पेसिफिक पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, प्लीज़ कमेंट पे लिखना, क्योंकि मैं दूसरे दिन रेमेडी भी बता सकती हूँ और जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। वो लिखना क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी में। वो अभी दोनों को बारे में ही डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं, वो जागलिंग कर रहे आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। वो अभी इस वक्त जानते हैं जी उसके पास दो ऑप्शन है, बट एक को वो मान नहीं पा रहे हैं, मानी उसको दोनों को लेकर कन्फ्यूज नेचर के अभी है। अभी चल रहा है ये रीडिंग, ठीक है, ये करंट एनर्जी अभी का है। वो बहुत कन्फ्यूज्ड है, स्टक है, खुद के लाइफ पे जगलिंग कर रहे हैं। इसके कारण उसके कोई काम भी अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि वो सब कुछ में कन्फ्यूज्ड हो रहा है इस वक्त। वो आपके बारे में भी सोच रहा है, फिर वो थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहा है। किसी को बारे में ऐसे नहीं सोच रहा है जो उसके पास जाना है, वो दोनों में कन्फ्यूज है कौन बेटर है, किससे पास जाना है, वो अभी कन्फ्यूज है, उसका माइंड अभी स्टक है, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये सच बात है, आप एक्सेप्ट करो, फिर रिलीज करने का वो जो है वो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी तो बोल दूंगी, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो एस ऑफ वंड्स है। कार्ड रीडिंग करने के पहले मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। मैं 10, 12, 15, 16, 20 ऐसे कार्ड्स नहीं लेती हूँ, वो भटकते मुझे भटकना लगते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। एक साथ 5, 6, 10, 12, 20 तक कार्ड निकालू, ये मेरा डिसीजन है, तो मैं दो ही कार्ड से आपको बोल रही हूँ, ठीक है। ये कार्ड ये दर्शाता है आप ना नीडीनेस पे मत जाओ, मत भागो आपके स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर, फिर वो भाग जाएगी, रान करेगी आपसे, थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, ये मैं बोल रही हूँ। तो क्या बोल रही हूँ, डरने का कोई बात नहीं है, आप चेजिंग करना बंद कर दो टोटली आज से। ये आपको कारेज भी दर्शाता है, आप कारेज के साथ साहस के साथ आप खुद को संभाल पा लेते हो तो जो जागलिंग का प्रोसेस है आपके स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में वो फिर आपके लिए सोचेगी, थर्ड पार्टी को रिलीज कर देगी। बट आपका नीडीनेस पाने का जो वो एक होता है ना, पाना ही है मुझे, पाना ही है, वो बंद कर दो अभी से। आप कमेंट पे लिखो, मैं कल आपको आपके टॉपिक पे वीडियो बना के बोलूँगी थर्ड पार्टी को कैसे रिलीज करनी है, ओके। बट ये कार्ड वो दिखाते हैं आप नेगेटिव हो जाओगे तो आपका पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में जाएगी। ये डराने के कोई मुझे कोई मतलब नहीं है, बट सच बोलना, सच सुनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और मुझे बोलना सच, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे, बट कोई डर के बात नहीं है, मैं हूँ ना। थर्ड पार्टी उसको सोचने नहीं दे रहा है आपके बारे में, वो मैनिपुलेटिव करके भरे उसके दिमाग, उसको तो सोचना है आपके बारे में, बट जब भी वो सोचना चाह रहे हैं बादल पूरा उसको घेर लेते हैं, ठीक है। वो स्टक फील कर रहा है, थर्ड पार्टी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसके लिए उसको दिमाग अभी कुछ नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं।
आप थोड़ा स्ट्रांग रहो, सेल्फ लव करो, इनर वर्क करो और सब कुछ हासिल करो। चेसिंग मत करो, नीडनेस मत करो, डिस्परेट मत हो, सोशल मीडिया में चेक मत करो, ऑनलाइन कब आ रहे हैं चेक मत करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, डरने का कोई बात नहीं है, ये सच बोलना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी और आप भी सुनो, सुनना भी ज़रूरी है। और आज के लिए इस तक वीडियो, कुछ भी बोलना है आप बोलो, मैं आपके कमेंट पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आपको कोशिश करूंगी आपको मोटिवेट करने की। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट के तरह से ग्रेटिट्यूड देना, थैंक यू देना यूनिवर्स को कमेंट के माध्यम पे। और अच्छे रहना, अच्छे सोचना, स्ट्रांग होना, आपकी पर्सन आपके पास ही आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, रोना धोना बंद करो। ठीक है, बहुत अच्छे हो आप सब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, गॉड ब्लेसिंग टू यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।